पॉलिटैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय स्थित विधायक कार्यालय में पहुंचकर विधायक राजकुमार पौरी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी के सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान पुलिस से अनावश्यक शिकायत पर उन्हें परेशान कराया जा रहा है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी ने बताया कि उनकी टैक्सी यूनियन का एक वाहन चालक पिछले कुछ महीनों से सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान के बच्चों को लेकर केंद्रीय विद्यालय से लाने और ले जाने का काम करता है, लेकिन वाहन चालक ने सांसद प्रतिनिधि से किराया मांगा तो सांसद प्रतिनिधि ने उसे डरा धमका कर ओवरलोड वाहन की शिकायत करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद प्रतिनिधि ने पुलिस को परेशान करने के लिए कहा, जिसको लेकर विधायक राजकुमार पौरी से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपा है। साथ ही टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। पौरी से मुकेश पचेती की रिपोर्ट। एक नेता जी हैं, बीजेपी नेता सांसद प्रतिनिधि का दिन कहते अपने आप को, तो हमने मेरे साथ उनकी बच्ची आती थी स्कूल, तो उन्होंने मेरे 2-3 महीने के पैसे नहीं दिए, तो मैंने उनकी बच्ची को गाड़ी से मना कर जाने के लिए, मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, जब पैसे नहीं दिए उन्होंने तो मैंने मना कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पुलिस वालों को धमका चढ़ा के बोल दिया कि इनकी गाड़ी को सीज करो, ये ओवरलोडिंग चल रही है, इनकी गाड़ी में 20-20 बच्चे बैठ रहे हैं, हमारी गाड़ी में 20 बच्चे किसी के पास नहीं है, सबके पास 12-12 बच्चे। पर मैं इतना कहता हूँ कि अगर कोई प्रतिनिधि है, चाहे मैं हूँ, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, या सांसद प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है, अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो वास्तव में ये ठीक नहीं है, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। और जो काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर लोग हैं, वो अपना रोजी रोटी उसी से कमाते हैं, अगर हम उनकी फीस उनका किराया नहीं देंगे तो उनका खर्चा कहाँ से चलेगा।